नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैकिंग क्या होती है और हैकर्स कौन होते हैं और कितने प्रकार की हैकिंग होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि अगर आप एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो भी टेक्निकल वीडियो जो भी अपडेट्स लेके आएंगे उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके ईमेल बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हैकिंग क्या होती है। नेटवर्किंग एंड कंप्यूटिंग हैकिंग का मतलब है टेक्निकल इफर्ट करके बिना किसी परमिशन लिए दूसरे के नेटवर्क और कंप्यूटर को एक्सेस करना है। हैकिंग किसी भी कंप्यूटर और नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, जिसमें हैकिंग करने वाले हैकर्स कहा जाता है और वो बिना किसी परमिशन के इलीगली दूर से कंप्यूटर और नेटवर्क को एक्सेस करता है। हैकर एक बार सिस्टम को एक्सेस करने के बाद अपना गोल पूरा करने के लिए सिस्टम और नेटवर्क के सिक्योरिटी फीचर को चेंज कर देता है। हैकिंग करने वाला हैकर्स अपने काम में टेक्निकली बहुत परफेक्ट होता है और उसको नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डेप्थ नॉलेज होती है, तभी वे किसी दूसरे नेटवर्क में जा सकता है। वैसे पहले के टाइम में हैकिंग टर्म को किसी कंजिक्यूटिव या क्लियर टेक्निकल वर्क करने के लिए यूज किया जाता था। कंप्यूटर सिस्टम के लिए हैकिंग यूज में आए जरूरी नहीं था, लेकिन आज हैकिंग एवं हैकर्स दोनों टर्म्स को ज़्यादातर किसी रंग कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज और इंटरनेट नेटवर्क पर मिलिशियस प्रोग्रामिंग अटैक से एसोसिएट किया जाता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि इथिकल हैकिंग क्या होती है। हैकिंग को बहुत सारे कंट्री में सीरियस क्राइम माना जाता है। अगर हैकिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत परमिशन से की जाए तो उसे लीगल कहा जाता है एवं हैकर्स के लिए इथिकल हैकर्स के टर्म यूज की जाती है। ये लीगल होती है क्योंकि इथिकल हैकर्स के पास टारगेट को प्रूव करने का ऑथराइजेशन होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हैकिंग कितने प्रकार के होती है। हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर पर सीमित नहीं है, हैकिंग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सभी प्रकार के लिए किया जा सकता है। नॉलेज और कौशल हो तो रेफ्रिजरेटर को भी हैक करना संभव है। महत्वपूर्ण है कि हम हैकिंग को बहुत आयामी तरीके से देखें, क्योंकि हम 2017 में रह रहे हैं। पहला है नेटवर्क हैकिंग। एक नेटवर्क हैकिंग मुख्यतः इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे कई टूल हैं जिन्हें नेटवर्क को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क को हैक करने पर हैकर्स का पूरा नेटवर्क पर कंट्रोल होता है। सेकेंड है वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट को हैक करने के बाद हैकर्स का कब्जा उस वेबसाइट पर हो जाता है। इस तरह से हैकर्स उस वेबसाइट पर है जो पोस्ट कर सकता है या खुद के फायदे के लिए वेबसाइट्स को ओनर को बदलने की तरह है। नेक्स्ट है इथिकल हैकिंग। कई कंपनियां हैकर्स को हाइक करती है ताकि वे किसी सिस्टम में हैक करने की कोशिश कर सके। यह नेटवर्क में मौजूद सिक्योरिटी के दोष को पता लगाने के लिए किया जाता है, पर पूरी तरह से कानूनी है और एम्प्लॉयर की सहमति से किया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल हैकिंग। दोस्तों आप ईमेल को ओपन करते होंगे तो आपके ईमेल पे कभी कभी एक ऐसे लिंक आते हैं जिसपे आप लिंक को क्लिक करके उस लिंक को जब ओपन करते हैं तो उस लिंक के थ्रू आपके ईमेल को हैक किया जा सकता है। इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें इस समय हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ईमेल्स हैक हुए हैं। नेक्स्ट है पासवर्ड हैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग ट्रांसमिटेड डेटा और अन्य टूल के आधार पर किसी व्यक्ति के पासवर्ड का पता लगाने के बारे में होता है और आपके पासवर्ड आपके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो टूल का यूज करके आपके पासवर्ड को हैक किया जा सकता है। अगर आप किसी कंप्यूटर पे आप अपना जीमेल आईडी फेसबुक आईडी ओपन करते हैं, अगर उसमें एक टूल होता है वो टूल यूज है तो आपके पासवर्ड डायरेक्ट उसमें सेव हो जाते हैं और वहां से आपके ईमेल आपके फेसबुक और जीमेल या जो भी आप वहां पे लॉगिन करते हैं उससे आपके पासवर्ड को हैक किया जा सकता है। कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग में किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर कब्जा करना शामिल है। इसमें हैकर्स को उस कंप्यूटर के फाइलों और डेटा पर पूरा एक्सेस हो जाता है। वे आपके सिक्योरिटी के अंदर घुस जाते हैं और वहां से आपके डेटा को चुरा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हैकर्स कितने प्रकार। पहला है व्हाइट हैट हैकर्स। यह हैकर्स एक कानूनी तरीके से काम करते हैं। वे ऑफिशियल हैकर्स होते हैं और कंपनियों को अपनी सर्विस देते रहते हैं। वे कंपनी के नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक करते हैं और कंपनी के एप्लीकेशन में आने वाले सिक्योरिटी इश्यूज को चेकिंग करने पर काम करते हैं। सेकेंड है ब्लैक हैट हैकर्स। जो अपने आपने कभी पढ़ा होगा उनके बिल्कुल विपरीत ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। जो काम करते हैं वह पूरी तरह से अवैध होता है और
वे जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न मालवेयर के माध्यम से सिस्टम पर हमला करते हैं। बहुत सारे ऐसे मालवेयर आते हैं जो आप किसी साइट पे जाते हैं और उसके क्वेरी फॉर्म में उस मालवेयर को डाल देते हैं तो उनके साइट चलना बंद हो जाती है और वहां से वे उस साइट को हैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इथिकल हैकर्स। आमतौर पर इसके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही नॉलेजेबल बंदे होते हैं जो इथिकल हैकिंग जानते हैं, जिनके पास कोड्स और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें वे किसी को भी हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि उनके पास सभी टूल और नॉलेज होगा तो उन्हें रोकना असंभव होता है। और तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी हैकिंग्स के बारे में, और दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए गए बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके ईमेल बॉक्स में मिले। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।